चैनल पे स्वागत है और मैं आप सभी को शुक्रिया करता हूँ कि आपने चैनल बहुत ही प्यार बरसाया और हमारे 1800 जो सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया है। तो जल्दी से जल्द 2000 का भी टारगेट कंप्लीट करा दो। तो आज हम लोग एक अलग प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रो फोटोग्राफी में मैं यूज़ करने वाला हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट डेडिकेटेड एस्ट्रो फोटोग्राफी कैमरा है। ये मैंने प्लानिटरी फोटोग्राफी के लिए परचेज़ किया है। इसके पहले मैं DSLR से शूट करता था, लेकिन DSLR से कुछ दिक्कतें आती है शूट करने में। वही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने ये जो ZW का ASI 120 MCS कलर कैमरा जो है USB 3.0 ये परचेज़ किया है। इसका कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली अमेज़ॉन पे कुछ 20,000 के आसपास दिखा रहा है आज के डेट पे। मैंने ये अराउंड 14,000 के आसपास मैंने परचेज़ किया है मॉडर्न टेलीस्कोप से। तो चलो इसका फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका हम लोग इसमें क्या क्या आता है वो भी देखते हैं। ये जो बॉक्स पैकेजिंग है बेसिक सा बॉक्स है, ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ पे ZW का ब्रांडिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो कैमरा के डिटेल्स है, जो हमारा जो मॉडल नंबर है यहाँ पे मेंशन किया गया है, थोड़ा सा बारकोड है। दिस इज़ 120 MCS कलर 3.0, मेड इन चाइना है। आई नो मेड इन चाइना ही आएंगे ये प्रोडक्ट्स। तो थोड़ा अनबॉक्सिंग वाला कुछ खास नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ है। हाई स्पीड, हाई सेंसिटिविटी, लो नॉइज़ वगैरह वगैरह वगैरह। प्लानिटरी कैमरा, तो इसको ओपन करते हैं हम लोग। ओपन करने के बाद कुछ बेसिक सा पैकेजिंग है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो यहाँ पे हमको मिलता है एक लव लेटर। उसमें इन्होंने बताया है कि इसका उपयोग कैसे कैसे करना है, कैसे आपको कनेक्ट करना है, क्या सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है। यहाँ पे इंग्लिश में भी है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओपनने के बाद उसके बाद हमको मिलता है इसमें एक केबल जो अराउंड 2 मीटर के आसपास है, Type-A to Type जो है USB 3.0 है यहाँ पे। तो इससे हम हमारा जो कैमरा है वो कनेक्ट करेंगे। इसको भी रखता हूँ साइड में। और एक केबल हमको मिला और इस केबल का उपयोग करके हमारा जो कैमरा है इसका उपयोग हम लोग गाइडिंग स्कोप जैसे भी कर सकते हैं। गाइड स्कोप जो लगाया जाता है एस्ट्रो फोटोग्राफी में डीप स्काई में, तो उसकी तरह भी कर सकते हैं। और उसके साथ हमको मिलता है एक लेंस कैप जो इस पे लगेगा शायद। हाँ, इस पे फिट हो गया। इसका उपयोग बताता हूँ। पहले जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये हमारा कैमरा है और इसके ऊपर कैप लगा हुआ है, तो बॉक्स को मैं बंद कर देता हूँ। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारा कैमरा, आगे से पीछे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जो ये गाइड स्कोप वाला जो केबल है यहाँ पे अटैच करेंगे। देन हमारा जो लैपटॉप को कनेक्ट वाला केबल है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। वो कैसे करना है आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमको एक स्क्रू दिखता है, तो इसको हम अटैच करके किसी भी नॉर्मल कैमरा ट्राइपॉड माउंट पे अटैच कर सकते हैं। उसका उपयोग क्या होता है मैं बाद में बताता हूँ। तो हम लोग थोड़ा सा ओपन करते हैं और दिस इज़ द ओवरव्यू। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है CCTV लेंस 2.1 mm, 3 मेगापिक्सल है और इसके ऊपर कुछ तो लगा हुआ है। कैन यू सी ये लेंस क्यों लगाया है? इस लेंस का उपयोग करके हम लोग ऑल नाइट जो मीटियोर शावर्स वगैरह जो चीज़ होती है स्काई में तो वो शूट कर सकते हैं हम लोग। तो ये लेंस भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको निकाल के रख देते हैं, लेकिन आपको ऑल स्काई शूट करना है तो ये लेंस लगा के हम नाइट को शूट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमको इसको टेलीस्कोप को अटैच करना है तो ये लेंस को हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ से अनस्क्रू कर देंगे। नाउ कंपनी ने हमको यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे IR कट भी यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, जो एक फिल्टर है IR कट। तो इसमें काफ़ी सारा जो चीज़ है लाइट का रिफ्लेक्शन है वो कट कर देता है और अच्छा खासा हमको कलर प्रोड्यूस कर देता है। उसके अंदर आपको वो सेंसर दिख जाएगा, बट यहाँ पे आपको IR कट है। देन इसके ऊपर हम लोग ये जो है रिंग माउंट कर देंगे। एंड नाउ हमारा जो कैमरा है वो रेडी हो गया है टेलीस्कोप को अटैच करने के लिए। तो इससे मैं प्लानिटरी शूट करने वाला हूँ दोस्तों। ये जो है Type-A हमारे कैमरा में लग गया और हमारा जो USB 3.0 है ये जाएगा हमारे लैपटॉप में। दो हमारा टेलीस्कोप अटैच करने के लिए ये जो कैमरा रेडी है। इसमें ये कूल नहीं, इसमें कोई भी फैन नहीं, ये नॉर्मल है।
क्योंकि इसका जो कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा तो ठीक ठाक आपको पैकेज प्रोवाइड कर रही है कंपनी। तो दोस्तों हमने जो हमारा कैमरा है अटैच कर दिया है हमारे टेलीस्कोप से, और उसको ही हमने अटैच कर दिया लैपटॉप से। तो ये जो कैमरा है इसको अटैच करने के बाद आपको ZW की तरफ से आने वाला एक जो सॉफ्टवेयर है ASI स्टूडियो, उसमें ASI कैप करके ऐप है, उस पर आप एक तो इसको चला सकते हो, या फिर दूसरा जो ऐप बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं वो है शार्प कैप। तो शार्प कैप भी, जो शार्प कैप है वो भी काफ़ी फेमस ऐप है। प्रॉब्लम इतना ही मैंने फेस किया कि इसका जो FPS जो है फुल रिजोल्यूशन पे कंपनी ने मेंशन किया है दैट इज 60 FPS, और मैक्सिमम जो है हम लोग थोड़ा सा रिजोल्यूशन कम करेंगे 800x640 के आसपास जाएंगे, तो हमको 254 तक भी मिल सकता है जो डीप स्काई के लिए भी यूजफुल होता है। बट उसके लिए स्पेसिफिक या डेडिकेटेड कोई वीडियो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किए, वही मुझे दिक्कत लगा। तो मैं भी नया हूँ इसको चलाने के लिए, मैं भी बिगिनर्स हूँ, तो बिगिनर के अकॉर्डिंग मैं भी थोड़ा सा R&D करूँगा, मैं भी चलाऊँगा। और इसके ऊपर जो सेटिंग जो क्या करना है लैपटॉप पे या फिर ऐप में क्या सेटिंग कैसे करना है, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लाता हूँ चैनल पे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल पे आपको डेफिनेटली टेलीस्कोप, एस्ट्रो फोटोग्राफी रिगार्डिंग जो स्टफ़ है उनका अनबॉक्सिंग, उनका अनबायस रिव्यू डेफिनेटली मैं शेयर करता रहूँगा। उसके अलावा पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे करना है, कैसे उनको शूट करना है, ये चीज़ें भी आने वाली है। तो चैनल को सपोर्ट कर देना, लाइक कर देना, कुछ आपके दिल में क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट कर दो। अगर आपको टेलीस्कोप एस्ट्रो फोटोग्राफी वाली कुछ चीज़ें डिस्काउंटेड प्राइस पे चाहिए तो मेरे पास मॉडर्न टेलीस्कोप जो है काफ़ी बड़े सेलर है, उनका एक डिस्काउंट कूपन हमारे व्यूअर्स के लिए उन्होंने इशू किया है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप अच्छा खासा डिस्काउंट भी उन प्रोडक्ट्स पे ले सकते हैं। तो हम लोग अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।